हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का जो शुभ समाचार है वो लेकर के आए हैं, ठीक है, कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिजल्ट आप लोग का बहुत जल्द आने वाला है। पिछली वीडियो में जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग और इस वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टूडेंट, आप लोग को सेमेस्टर फोर की तैयारी बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप स्टार्ट नहीं किए हैं तो, क्योंकि सेमेस्टर फोर का एग्ज़ाम बहुत जल्द लेगा, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप लोग को जो है सो बहुत जल्दी तैयारी कर लेनी चाहिए। और देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग का जो रिजल्ट है वो कब आएगा उसके बारे में पूरा डिटेल बताएँगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी आप लोग का प्रैक्टिकल भी चल रहा है, तो प्रैक्टिकल कब तक चलेगा, तो 10 सितम्बर तक चलेगा, ठीक है। 10 सितंबर के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा आप लोग का प्रैक्टिकल, 10 सितंबर के अंदर ही प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब ख़त्म हो जाएगा आप लोग का प्रैक्टिकल तो क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाया जाएगा चेक करके, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाने में कितना दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, बाकी कॉपी चेकिंग का ही टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, कॉपी चेकिंग आधा तो हो गया होगा इतना दिनों में, ठीक है, बाकी जो बचा होगा वो प्रैक्टिकल के बाद हो जाएगा। लेकिन 10 अक्टूबर तक आप लोग का रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है, कि 10 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का रिजल्ट का डेट पता चल गया। और देखिए, अदर एग्ज़ाम अभी जो है सो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म ही भरा रहा है, ठीक है, अदर एग्जामिनेशन का। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है, आप लोग एकदम मन शांत करके सेमेस्टर फोर का तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, सेमेस्टर टू पीजी के बाद आप ही लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी वो सब का एग्ज़ाम चलेगा उसके बाद, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को पता चल गया, ठीक है। और इसके अलावा हम आप सेमेस्टर फोर के बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या तैयारी करने हैं और कब से तैयारी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम उसका बहुत ही नज़दीक आ गया है, ठीक है। देखिए, आप लोग का जो एसी पेपर था वो एसी पेपर तो रह ही जाएगा, एसी थ्री, ठीक है, और माइनर भी रहेगा। माइनर में क्या आ गया, वोकेशनल से लेना है, साइबर डिफेंस वगैरह, ठीक है, और ये दो हो गया सेंस, और बचा आप लोग का 4, ठीक है। तो माइनर हो गया, एसी हो गया, अब जो है सेंस एक ठो और है, बीएसी आ गया, ठीक है। बीएससी में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आप लोग का कंपलसरी है, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का 3 ठो पेपर हो गया, और 3 पेपर आप लोग का मेजर का है सेंस, तो मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8, ठीक है। तो देखिए, मेजर पेपर जो है उसका सिलेबस छोटा छोटा नहीं दिया है, ठीक है, बड़ा बड़ा दिया है। अगर आप लोग अभी से पढ़ने का स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप लोग बढ़िया से नहीं याद कर पाएंगे, एग्ज़ाम टाइम उसी तरह से लिख पाएंगे जिस तरह से पिछली बार, मतलब कि ज़बरदस्ती करके लिखे होंगे, ठीक है। अगर पहले से पढ़ लिए होते तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से लिख सकते थे, स्टेबिलिटी रहती मन में जो है तो शांति का भाव रहता, और आराम से लिखते जाते जो भी क्वेश्चन रहता सब लगता कि हाँ ये मेरे को याद है, ये मेरे को याद है, सारा कुछ याद है, और आराम से लिखते जाते, ठीक है, प्रॉपर रूप से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि अचानक से जो है सो इनस्टेबिलिटी आ जाता है मन में, यानी कि जो चीज़ जानते हैं वो भी चीज़ भूल जाते हैं, और क्या होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में वो या तो राइटिंग ख़राब करते हैं या तो पेज मतलब आंसर ही गलत लिख देते हैं, ठीक है, या तो राइटिंग ख़राब कर लेते हैं, बढ़िया से लिख नहीं पाते हैं, या तो आंसर ही गलत लिख देते हैं, समझते ही नहीं है कि क्या कुछ है सो, ठीक है। और क्योंकि समझने के लिए टाइम चाहिए किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उस चीज़ नहीं समझ पाते हैं और याद भी नहीं रहता उनको जल्दीबाजी में। तो ये चीज़ है, तो सेमेस्टर फोर का तैयारी कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो प्राइवेट क्लासेज के स्टूडेंट हैं वो तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। मेरा नोट्स कम्प्लीट होने जा रहा है स्टूडेंट्स, सारा कम्प्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है, कुछ ही दिनों कहने का मतलब अंडर एक वीक, ठीक है, अंडर एक वीक सारा साइंस वालों का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ वगैरह का तो कंप्लीट हो गया, बाकी और भी है जियोलॉजी वगैरह बॉटनी वगैरह वो सब का भी कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जितने भी बचे वो सारा कंप्लीट हो जाएगा एक दो दिन में। तो
आप लोग उसमें भी क्लास ज्वाइन कीजिए, वहाँ से भी कुछ हेल्प मिलेगा। फीस तो ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है, दूसरे कोचिंग की तरह। आप लोग का तो पूरा कम फीस रखें इसलिए कि ताकि आप लोग बढ़िया से ज्वाइन कर सकें, आराम से पढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि जो समस्याएं हमको आई ग्रेजुएशन में वो आपको ना आए, ठीक है, इसलिए हम उसका भी सारा व्यवस्था बढ़िया से कर रखें। बाकी आपका मन, आपका इच्छा, अगर बढ़िया नंबर लाने का इच्छा है तो जरूर से ज्वाइन कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बताते हैं 100 में 100% मैच भी कर जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैच करने से नहीं होगा, आप लोग को तैयारी करके रखना पड़ेगा उस क्वेश्चन का आंसर, तभी ना आप लोग लिख पाएंगे। क्वेश्चन मैच तो कर ही जाएगा मेरा, किसी भी हालत में करे लेकिन कर जाएगा, ठीक है। और आप लोग का जो है आंसर नहीं लिख पाने लगेंगे, इसीलिए आंसर पहले से रेडी करके रखिए, ठीक है, ताकि बढ़िया से लिख पाए। तो वीडियो तो अच्छा लगा होगा सुन, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में भी बता दें और रिजल्ट के बारे में भी बता दिए, और रिज़ल्ट के बारे में तो फाइनल यही है, ठीक है, क्योंकि एक दो महीना से ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिज़ल्ट आने में, ये यूनिवर्सिटी का रूल है और यही रूल होना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जैसे कि रिज़ल्ट आएगा ना, एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का, ये पूरा एकदम गारंटी है, फिक्स एकदम, ठीक है। आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें, और सेमेस्टर टू वालों का भी स्टार्ट हो जाएगा जो कि ग्रेजुएशन वाले हैं, नया स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग दोनों का एक ही साथ हो जाएगा सनसा स्टार्ट, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करके रखिएगा, तभी ना दीजिएगा। जैसे आज रिज़ल्ट आया, कल से इंटरनल का डेट आ गया, इस तरह से करके आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग को परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर फोर में सरकारी कॉलेजेज में जो है सनस एडमिशन वगैरह होता नहीं, कुछ भी एक ज़रा सा लेट नहीं करेगा, तुरंत एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से जल्दी से तैयारी करके रखिए, ठीक है, और हमारे ग्रुप्स वगैरह में भी ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।